दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने अपने जो है ब्रीडिंग सेटअप ब्रीडिंग बॉक्स लगाया था, और अभी ये जो है ब्रीडिंग पेयर बॉक्स के अंदर जाने लग गए हैं। आप देख, अगर आपको दिख रहा, अंदर से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये ब्रीडिंग बॉक्स पर बैठे हुए हैं, और जो फीमेल है वो अंदर है। वो देखिए, हल्की सी निकल रही है बाहर, वो अंदर चले गए। हाँ, तो आप देख ही सकते हैं, मैंने ब्रीडिंग बॉक्स लगभग 2-3 दिन पहले लगाया था, और अभी ये एक्टिविटी करने लग गए हैं। थोड़ा अंदर जा रहे हैं, थोड़ा बाहर आ रहे हैं, और इनको मैं साथ में देख रहा हूँ। ये जो दाना है, मतलब जो इनको जो मैं सीड प्रोवाइड करता हूँ, उसका जो छिलका है वो भी अंदर ले जा रहे हैं। मतलब नेस्टिंग मटेरियल के रूप में ये दाने को, छिलकों को ले जा रहे हैं। और अभी मैं इनको जूट की जो रस्सी आती है, मतलब जो जूट का जो बोरी आती है, उसको मैं हल्के से छिल के, मतलब एक उनके जो रेशे अलग अलग करके, और इनको ब्रीडिंग मटेरियल के रूप में दे रहा हूँ। और ये खुद ही ले जाएंगे और खुद से ही अपना तैयार करेंगे सेटअप। तो दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, ये मेरे हाथ में है, और ये मैं इनको दूंगा। ये मैं यहाँ रख देता हूँ, ये यहाँ रख दे रहा हूँ मैं, और यहाँ से ये अपने आप ले जाएंगे। मतलब एक एक करके इसमें से ले जाएंगे, ऐसे करके ले जाएंगे। ये मैंने कैसे तैयार किया है, ये आगे देखेंगे आप कि कैसे मैंने इसको बनाया है, और आप भी इसे अच्छे से बना सकते हैं। ये जो बच्चा है आप देख रहे होंगे, रिंग आईडी है इसके पास। आ जा, ये हैंड टैम है, और जब भी मैं पिंजरे के पास आता हूँ ये पास में आ जाता है, और बाकी जो है बच्चे थोड़ा दूर दूर जाते हैं। देखना भी, ये हल्का सा हाथ दिया और हल्का दूर, ताकि ये फुल हैंड टैम है। आ जा, अभी आने की इच्छा नहीं है इसकी, तो ये डरता नहीं है। और ये मैंने दिया, तो दोस्तों आगे की जो प्रोसेस होगी वो मैं भी अपडेट करता रहूँगा। बने रहिए पेटशाला के साथ। आशा करता हूँ दोस्तों आपका पेट स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और आप उससे खुश रहे। जाते जाते ये दिखा देता हूँ, अभी भी वो वहीं पर ही है।